सब उसके फैन बने पड़े मैम। कोई नाम है? सो सलाम गाइस, मैं आपको अपना राशिद कानपुर से। दोस्तों जैसे कि आज हम आपको लेके आए हैं कानपुर के माल रोड पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो इस टाइम पे जवान फिल्म का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक पे हर चीज़ पे हाय तोबा मची हुई है। जवान को लेके जवान की इतनी ज़्यादा बुकिंग हो रही है, इसकी सच्चाई हम ग्राउंड पर चेक करने के लिए आए हैं। हम थिएटर में जिस जगह पर बुकिंग होती है, एडवांस बुकिंग होती है, तो हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये बुकिंग का क्रेज़ इतना ज़्यादा क्यों है या इसकी हकीकत क्या है, तो इसका परसेंटेज जानने की कोशिश करें। तो अभी से 2 दिन बाकी रह गए हैं रिलीज़ होने में और लोग कह रहे हैं कि इतने करोड़ का बिजनेस कर लिया, इतने लाख टिकट बिक गए, यानी कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख के आसपास टिकट बता रहे हैं बिक चुके हैं। तो हम ग्राउंड पर यही सिर्फ चेक करने के लिए आएँ कि हकीकत में इतने टिकट बिके हैं या हॉल में, सिनेमा हॉल में इसका क्रेज़ क्या है, ऑडियंस में कितना क्रेज़ है, कितने कितने लोग आ गए, कितना यहाँ पर टिकट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं, चल के चेक करते हैं और बात करते हैं भाई लोगों से, जानने की कोशिश करते हैं खिड़की पर टिकट बिक रहे हैं तो किस हिसाब से बिक रहे हैं और उसमें क्रेज़ कितना है। दीवानगी तो बहुत ज़्यादा है, ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि SRK की दीवानगी नहीं है, तो SRK का नाम ही काफ़ी है, तो उसी SRK की दीवानगी को हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले अपने above 80 to 85% टिकट्स बुक हो चुकी हैं। अच्छा जी, तो इसके लिए आप लोगों को तैयारी करी जवान के लिए? क्रेज तो बहुत है इसका। जी बिल्कुल सर, कुछ स्पेशल तैयारी है? अरे सर आप देख ही रहे हैं, अभी न्यू सिनेमा मेरा ओपन हुआ है तो सारा कुछ अट्रैक्टिव ही है। तो आप लोगों ने क्या तैयारी की सर? उसमें तैयारी क्या करना है, अब देखते हैं SRK का स्टारडम कितना हाई फाई है कि उसके लिए ऑडियंस क्रेज किया है जवान को लेके, मतलब एक अगर बंदा आया है तो उसने मैक्सिमम कितने टिकट लिए हैं? सर वैसे हमारे यहाँ टिकट प्राइस तो 300 रुपये, 400 रुपये और 600 रुपये हैं, और आप देखेंगे कि 400 और 600 रुपये की लगभग वो टिकट सारी बुक हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं किसी ने 10 लिए, किसी ने 15 लिए हैं। आप क्या क्या सोच रहे हैं, 4 या 5? फिलहाल तो हम लोगों ने मतलब 500 के लिए ओपन कर रखा है अपना पोर्टल, और अभी स्क्रीन हमारे यहाँ पे 3 है। हाँ 3 स्क्रीन हमारे यहाँ पे है, और फिलहाल एक स्क्रीन के लिए हम लोगों ने बुकिंग चालू कर रखी है, 2 स्क्रीन की भी बुकिंग बंद चल रही है हमारी। हाँ वो उसका पोर्टल कल खुलेगा। कोई ऐसा मतलब फैन नहीं आया, कोई ऐसी ऑडियंस नहीं आई आपके पास कि जिसने 150-200 टिकट इकट्ठा बुक किए? नहीं नहीं, वो बुकिंग वैसे भी उनकी भी, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल 3 ऑडी हमने ओपन नहीं किए ना जी, तो अभी 15-20 सीटों के लिए मैक्सिमम बुकिंग कर रहे हैं, बाकी वैसे डिमांड तो काफी है, 100-150 लोगों के लिए बुकिंग की डिमांड है। नहीं फिलहाल देखा जाए तो दोनों का लगभग सेम ही क्रेज है। जी जी, मैंने आपसे बताया अबव 80 to 85% टिकट्स हमारी सेल हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि स्कीमिंग होती रहती है ऑलरेडी, हर मतलब 10 से 15 हज़ार रुपये के कैश पे हम लोग स्कीमिंग करवा देते हैं, तो वैसे इस चीज़ को मुझे गेस तो नहीं होगा कितने का है, लेकिन फिर भी मैं जान मतलब बताना चाहूँगा कि हाँ हाँ ऐसा तो ऑलरेडी हो गया होगा, ज़्यादा हो गई होगी। बिल्कुल बाकी बिल्कुल, जब 2 दिन बाकी हैं तब ऐसा क्रेज़ देख रहे हैं आप। जी 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 बिल्कुल। बुकिंग सर कल से स्टार्ट हो गई थी हमारे यहाँ,
मल्टीप्लेक्स में दो दिन पहले से हो रही थी बट हमारा सिंगल स्क्रीन है इसलिए अभी कल से बुकिंग स्टार्ट हुई है। रिस्पांस अच्छा आ रहा है, जैसे कि पठान का जैसा रिस्पांस था सच ऐसा ही रिस्पांस है। एडवांस बुकिंग चल रही है अभी आज सर डेट है 5 सितंबर, दो दिन पहले से ही काफी 50% के अप्रोक्स बुकिंग हो गई है जी। 50% बुकिंग हो गई है सर जी। 400 हमारे यहाँ भी चल रहे हैं 12 बजे से स्टार्टिंग जी। नहीं फर्स्ट डे और संडे का ज्यादा क्रेज है जी। फ्राइडे एंड नहीं फ्राइडे का भी उतना नहीं है, थर्सडे एंड संडे का ज्यादा है जी। जी पठान के अप्रोक्स वैसे ही रिस्पॉन्स है, पठान में ऑनलाइन एडवांस इतना ज्यादा था बट इसमें उतना ज्यादा नहीं है बट है। जी सर हमारे यहाँ 400 चलेंगे। नोवेल्टी सिनेमा लाटूस रोड होलगंज कानपुर। तो दोस्तों जैसे कि आज हम आपको लेके आए थे जवान फिल्म का रिव्यू लेने के लिए, रिव्यू था हमारी टिकट बुकिंग का क्योंकि हाय तोबा बहुत ज़्यादा मची थी, कितने ज़्यादा इतने लाख टिकट बुक चुके हैं, इतने करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। तो हमने उसको ज़मीन पर जानने की कोशिश करी, हम 2-3 टाकीज में गए सिंगल थिएटर स्क्रीन पर और हमने वहाँ पर जानने की कोशिश करी कि वाकई सच्चाई क्या है। तो क्रेज़ है काफ़ी ज़्यादा, SRK का क्रेज़ है, इस क्रेज़ के चलते ही इतनी ज़्यादा एडवांस बुकिंग इस फिल्म को मिल रही है और ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा उत्साह इस फिल्म के लिए। तो दोस्तों आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ बेहतर कुछ बढ़िया जबरदस्त लेके, जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। तो SRK के दीवानों के लिए ये फिल्म एक सुनामी की तरह है, इसमें SRK के फैंस को बहुत ज़्यादा उनका क्रेज़ है इस फिल्म के लिए। तो आए तो जानने के लिए देखने के लिए समझने के लिए, समझा जाना बूझा तो वाकई SRK है, उसका क्रेज़ अपना क्रेज़ है। तो 7 तारीख को ये फिल्म कितना धमाल मचा पाती है, ऑडियंस को थिएटर तक लाने में कितना मजबूर करती है और ऑडियंस कितना इस फिल्म से इंजॉय लेते हैं। तो ख़त्म कर रहे हैं यहाँ से ब्लॉग, मिलते हैं आपसे जवान फिल्म का रिव्यू लेते हुए जवान के दिन।